कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए डेल्टर एकेडमी बाय रंजन सर को और करे अपने SSC JEE एंड ऑल स्टेट JEE एग्जाम्स का सपना साकार। डाउनलोड दी ऐप नाउ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेल्टा एकेडमी। मेरा नाम है रंजन। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन SSC JEE के क्रैश कोर्स का। तो पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि बिल्कुल फटाफट से एकदम क्विक वे में हम लोगों ने नॉर्टन्स थ्योरम को कंप्लीट किया था। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले अबाउट द थेवेनिन थ्योरम। बहुत ही मस्त इंटरेस्टिंग सा थ्योरम, लेकिन साथ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम। ठीक है, तो एकदम ध्यान से देखिएगा आज का वीडियो। कोशिश करूंगा एज मच फास्ट एज पॉसिबल, लेकिन थोरो भी रहेगा कि सारा का सारा कंटेंट भी हम कवर करें। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद द थेवेनिन थ्योरम। चलिए, तो थेवेनिन थ्योरम जो है इससे एग्जामिनेशन में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो भी देखेंगे आज की क्लास में, लेकिन उसके अलावा बेसिक से बताऊंगा कि थेवेनिन थ्योरम होता क्या है। ठीक है, नॉर्मली किस टाइप के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जामिनेशन में। नॉर्टन्स थ्योरम का वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके जरूर से देख लीजिएगा। अभी इस ड्यूरेशन पे आपको ये इस वीडियो का लिंक जरूर से दिखा होगा। वो देखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि थेवेनिन्स में मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ उसमें काफी सारी चीजें जो है, कुछ कुछ बेसिक्स जो है वो आपको नॉर्टन से काफी मिलते जुलते दिखने वाली है। ठीक है, चलिए लेट अस स्टार्ट। थेवेनिन्स थ्योरम जो हमारा एक नेटवर्क थ्योरम है, ये दो तीन रीजन की वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला, एक तो एग्जामिनेशन में डेडिकेटेडली इससे क्वेश्चंस आते हैं। जितने भी आप थ्योरम पढ़ेंगे उसमें से अगर मैं पूछूं या आपको बताऊं कि सब पिछले 5 साल के भीतर या 10 साल के भीतर किसी भी एग्जामिनेशन में नेटवर्क थ्योरम में से आने वाले क्वेश्चंस की जो रेट है उस हिसाब से सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको कौन से नेटवर्क थ्योरम से दिखते हैं तो वो यही थ्योरम है। तो मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि अगर नेटवर्क थ्योरम से क्वेश्चन आ रहा है तो ज्यादा नंबर में क्वेश्चंस जो है वो थेवेनिन्स, सुपरपोजिशन और मैक्स पीटीटी, ये तीन ऐसे टॉपिक्स हैं जिससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं नेटवर्क थ्योरम्स के अंदर। और भी थ्योरम्स इक्वली इंपॉर्टेंट है बट ये तीन स्पेशली इंपॉर्टेंट है, एक वजह। और दूसरी वजह ये है कि ये थेवेनिन्स थ्योरम के ऊपर ही बेस करते हैं दो और थ्योरम्स जो आगे चल के आप पढ़ेंगे, तो उन दो थ्योरम्स की भी अंडरस्टैंडिंग इसी के ऊपर डेवलप होती है, तो वहां से भी अगर क्वेश्चन आएगा तो वो भी इसी से जुड़ा हुआ है। तो इस वजह से भी थेवेनिन्स थ्योरम बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली बात इसके बारे में बताऊं जो मैंने आपको नॉर्टन्स के समय भी लिखवाया था कि थेवेनिन्स थ्योरम भी एक तरीके का नेटवर्क रिडक्शन थ्योरम है। इट इज ऑल्सो अ नेटवर्क रिडक्शन थ्योरम। ठीक है, जो नेटवर्क को रिड्यूस करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस थ्योरम में और KVL KCL में सबसे बड़ा अंतर यही है, कभी भी KVL KCL आपके नेटवर्क को रिड्यूस नहीं करते हैं। दे कैन ओनली सिंप्लीफाई योर नेटवर्क। वो आपके नेटवर्क को सिंपल बना सकते हैं, आपके नेटवर्क कैलकुलेशंस को आसान बना के किसी ब्रांच पर कोई एक पैरामीटर का कैलकुलेशन बहुत ईजी बना सकते हैं। थेवेनिन्स और नॉर्टन्स ऐसा नहीं करते हैं। थेवेनिन्स नॉर्टन्स में आप किसी एक ब्रांच पर करंट तो फाइंड कर ही रहे हैं बट एट द सेम टाइम आप सर्किट की कॉम्प्लेक्सिटीज को भी रिड्यूस कर रहे हैं। एक थ्योरम जो आपने पिछले केस में पढ़ा था थेवेनिन्स का नॉर्टन्स का, उसमें आपने देखा होगा कि सर्किट को जो हम सिंप्लीफाई करते हैं नॉर्टन्स इक्विवेलेंट के फॉर्म में, वहां पर करंट सोर्स के फॉर्म में हम लोग पूरा एक्सप्रेशन क्रिएट करते हैं, यहां पर सारा एक्सप्रेशन वोल्टेज के फॉर्म में होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो नेटवर्क रिडक्शन थ्योरम में ये बात आपको क्लियर हो गया कहां पर एप्लीकेबल है, किसी भी टाइप के लीनियर बायलैटरल लम्प्ड इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। ये तीन क्राइटेरिया ध्यान रखना है हमको। ठीक है, एग्जामिनेशन में अगर पूछेगा तो आपको पता रहेगा कि आप लीनियर बायलैटरल या लम्प्ड इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में से किसी पर भी आप थेवेनिन्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, नेटवर्क को रिड्यूस करने का थ्योरम है। अब इसकी इक्विवेलेंट सर्किट क्या होती है, किस फॉर्म में चेंज करता है, तो आपकी गिवन किसी भी नेटवर्क को वो इस नेटवर्क में कन्वर्ट करने की क्षमता रखता है। क्या नेटवर्क है ये देखिए, तो कोई भी टाइप का आपने अगर नेटवर्क बना के रखा था, ठीक है, चाहे वो कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना हो, इट कैन बी रिजॉल्व इनटू इट्स थेवेनिन्स इक्विवेलेंट, जहां पर एक वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विद अ सोर्स नेटवर्क रेजिस्टेंस इन सीरीज विद अ लोड रेजिस्टेंस। ऐसा सर्किट आपको थेवेनिन्स के इक्विवेलेंट के फॉर्म में मिलता है। ठीक है, इस तरीके का सर्किट आपको एज अ थेवेनिन्स इक्विवेलेंट एट द एंड रिजॉल्व होकर के मिलता है। और जब इस तरीके की सर्किट आपके पास आ जाएगी, दिस इज नोन एज द थेवेनिन्स इक्विवेलेंट। ठीक है, इसी को आप बोलते हैं थेवेनिन्स इक्विवेलेंट। ठीक है, थेवेनिन्स इक्विवेलेंट
नेटवर्क. ओके, तो कभी थेवेनिन इक्विवेलेंट नेटवर्क अगर आपसे पूछ लेता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक थेवेनिन वोल्टेज, इसको बोलते हैं थेवेनिन वोल्टेज के अलावा एक और नाम होता है, इसी को बोलते हैं वीओसी, दैट इज द ओपन सर्किट वोल्टेज. इसी को ओपन सर्किट वोल्टेज भी कहा जाता है. और ये ओपन सर्किट वोल्टेज इन सीरीज विद द सोर्स नेटवर्क रेजिस्टेंस, इन सीरीज विद द लोड रेजिस्टेंस, ऐसा जो सर्किट फॉर्म होता है, ऐसा सीरीज कॉम्बिनेशन जो बनता है, दिस इज द थेवेनिन नेटवर्क. तो बोलने का मतलब यह है कि कोई भी कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट क्यों ना हो, अगर वो लीनियर बायलैटरल और लम्प्ड इलेक्ट्रिकल नेटवर्क को मिला करके बनी हुई है तो उसको आप इस सर्किट में रिजॉल्व करके ला सकते हैं. और जब आप ऐसे सर्किट में रिजॉल्व कर लेंगे देन यू कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ आईएल. आईएल क्या चीज है यहां पर? लोड करंट है. कैसे फॉर्मूले से निकालोगे आप इसको? बिल्कुल सिंपल सा है. आईएल इज इक्वल्स टू वीटीएच अपॉन आरटीएच प्लस आरएल. ये फॉर्मूला सर कहां से आया? ओम्स लॉ से आया. ओम्स लॉ के हिसाब से I इज इक्वल्स टू V बाय R. इस पूरी सर्किट में अगर ओम्स लॉ लगा के मुझे आई एल की वैल्यू फाइंड करनी होगी तो सोचिए कैसे फाइंड करूंगा. तो I इज इक्वल्स टू V बाय R टोटल. R टोटल इज द सम ऑफ दीज टू रेजिस्टेंस, क्योंकि दोनों सीरीज में, कंप्लीट हो गया. तो बस इतना ही है सिर्फ थेवेनिन थ्योरम. इसका एप्लीकेशन जो है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. आपको इसको अप्लाई करना आना चाहिए. आपको ये पता होना चाहिए कि सर्किट के जब क्वेश्चन आप बनाएंगे पेपर में तो VTH कैसे निकालना है, RTH कैसे निकालना है. IL में कोई बात नहीं है. IL जो है वो बिल्कुल सिंपल सी चीज है कि फॉर्मूला आपका VTH RTH अगर आ गया क्वेश्चन में से तो IL तो वैसे ही आ जाएगा, उसमें कोई बिग डील नहीं है. ठीक है, तो ये दो निकालना मेन चीज है. और इन दोनों में से भी VTH फाइंड करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक. सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिकी पार्ट जो है वो यही होता है. अगर ये बन गया किसी से तो फिर बाकी सारी चीजें आपके लिए बहुत ईजी रहेंगी. चलिए लेट अस स्टार्ट विद अ क्वेश्चन. सीधे सीधे आपको क्वेश्चन पर लेकर चलता हूँ. इसमें क्वेश्चन सॉल्विंग पार्ट ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एग्जामिनेशन में आपको सवाल ही पूछेगा डायरेक्टली इसके ऊपर, और चांसेस है कि कुछ एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन इसके ऊपर बनते हैं. तो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के लिए जो डेटा चाहिए आपको वो मैंने आपको बताया हुआ है, उसको आप यूज कर सकते हैं. और बाकी जो डेटा है वो आपके क्वेश्चन सॉल्व करते करते आप डेवलप कर लेंगे उसकी अंडरस्टैंडिंग. लेट्स से हमारे पास एक सर्किट है ऐसा, यहाँ पर ऐसा एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, इधर एक रेजिस्टेंस है, इस तरीके से ऐसा रेजिस्टेंसेस का सेट जो है वो लगा हुआ है. यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स है, कितने का? 10 वोल्ट्स का. ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से ऐसे 10 वोल्ट्स का सोर्स जो है वो लगा हुआ है. ओके, और इधर है 10 वोल्ट का एक सोर्स. ठीक है, इसकी वैल्यू जो है इसको चेंज कर लेते हैं, लेट इट बी अ 20 वोल्ट सोर्स. ये हमारा 1 ओम का रेजिस्टेंस है, दिस इज अ 1 ओम रेजिस्टेंस, दिस इज 2 ओम रेजिस्टेंस, और यहाँ पर आपके पास है आरएल जिसकी वैल्यू है 3 ओम्स. ठीक, अब आपको सिंपली क्वेश्चन में ऐसा मान लो सर्किट बना करके दिया हुआ है और आपको बोलता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ थेवेनिन्स इक्विवेलेंट्स. देखिए, आपको क्वेश्चन में मान लीजिए बोल दिया. अब जब एमसीक्यू क्वेश्चन की मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ, वहां पे आपको आईएल निकालने पूरा बोले उसके चांसेस कम होते हैं. नॉर्मली आपको बोलता है कि सर्किट के पैरामीटर फाइंड करिए. पैरामीटर्स में मतलब कभी कभी क्या होगा कि आपको आरएल नहीं दिया रहेगा, हो सकता है ये ब्रांच जो है आपकी ऐसे रिमूव करके दे दे आपको. ये जो ब्रांच है ये कई बार ऐसे रिमूव फॉर्म में रहती है और आपको बोलेगा ए और बी पॉइंट दे करके कि सर्किट के इन्हीं दो पॉइंट के बीच में पैरामीटर्स क्या है थेवेनिन्स के, वो फाइंड करिए. तो पैरामीटर्स दो होते हैं, वीटीएच आरटीएच, ये दो चीज फाइंड करनी है. अगर मान लीजिए आपको ये ब्रांच ऐसे लगा के दे दिया, आपको करंट पूछा, तो बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है. ठीक है, बट उतना लेंदी देता नहीं है नॉर्मल एग्जाम में क्वेश्चन. तो चलिए मान लीजिए हम लोग मान लेते हैं कि ऐसा कोई क्वेश्चन दे दिया और हमको आईएल की वैल्यू पूछ लिया इस क्वेश्चन के अंदर से कि फाइंड द वैल्यू ऑफ आईएल. कैसे फाइंड करेंगे? लेट्स सी. तो सोल्यूशन जो है इसके अंदर, चलिए पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं. इसमें लिखा हुआ है फाइंड आईएल यूजिंग थेवेनिन्स थ्योरम. थेवेनिन्स थ्योरम, देखिए एक सिंपल सी चीज मैं आपको बता रहा हूं. जब आप एमसीक्यू सवाल बना रहे हैं तो ऐसे होने के चांस बहुत कम है. क्यों चांस कम है मैं बता दूं आपको, कि एमसीक्यू पेपर में अगर कोई आपको ऐसा बोल देता है कि यहां से करंट फाइंड करो बाय यूजिंग थेवेनिन्स थ्योरम, तो सिंपल सी बात है कोई बच्चा क्यों थेवेनिन्स थ्योरम लगाएगा जब वो इस सर्किट को सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से या उस सर्किट को केसीएल से या और किसी आसान तरीके से वो सॉल्व करके आंसर ला सकता है. क्योंकि जब एमसीक्यू की बात होगी तो वहां सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज मायने रखती है कि आप टाइम पे आंसर ला रहे हैं या नहीं. वहां ये मैटर नहीं करता कि आप ईमानदारी से थेवेनिन्स थ्योरम लगा रहे हैं, मैक्स पीटीटी लगा रहे हैं या जो भी बोला हुआ है. तो बिल्कुल सिंपल सा कंडीशन ये होता है कि नॉर्मली एग्जाम में आपको कभी भी ऐसे आईएल फाइंड करने नहीं देगा, और अगर देगा तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा. अच्छी बात है कि ऐसा दे, कि आप ऐसे केसेस में आप अपना जिस मेथड में कंफर्टेबल हो, जिस मेथड में आपने ज्यादा प्रैक्टिस किया हुआ है, यू कैन अप्लाई दैट मेथड और आसानी से आईएल फाइंड कर सकते हैं. क्योंकि चाहे थेवेनिन से सॉल्व करो या केवल केसीएल से या नॉर्टन से, एनी मेथड, करंट की वैल्यू इस ब्रांच से जितनी आनी चाहिए वो सेम आएगी,
मेथड के हिसाब से चेंज नहीं होती, ये सब एनालिसिस के मेथड्स हैं। एट द एंड आपका एंड रिजल्ट तो उतना ही आना चाहिए ना, वो थोड़ी ना चेंज हो जाएगा, तो ऐसा नहीं देता। बट चलो ठीक है, अगर इनकेस हमको पूरा आईएल फाइंड करना है उस पूरे थेवेनिन्स के प्रोसेस से, तो वो एक क्वेश्चन के थ्रू आपका इसमें प्रैक्टिस जरूर हो जाएगा। तो भाई सबसे पहला काम क्या करना है हमको, हमको सबसे पहले थेवेनिन्स वोल्टेज फाइंड करना है। क्या सर सीक्वेंस में ये जरूरी है कि पहले वोल्टेज ही निकालने थेवेनिन्स का? ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आप आरटीएच भी फाइंड कर सकते हैं पहले, ठीक है? ऐसा कोई फिक्स सीक्वेंस नहीं है, जरूरी नहीं है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले वीटीएच फाइंड करने जा रहा हूँ, जिसको हम लोग वीओसी भी बोलते हैं, यानी कि ओपन सर्किट वोल्टेज, ओपन सर्किट वोल्टेज, ठीक है? चलिए ओपन सर्किट वोल्टेज जो है इसको हम लोग जरा फाइंड कर लेते हैं यहां से, वीटीएच या वीओसी, ठीक है? ओपन सर्किट वोल्टेज कैसे फाइंड करेंगे? देखिए ओपन सर्किट वोल्टेज का कंसेप्ट ये होता है कि जब आप अपने लोड रेजिस्टर को रिमूव कर देते हैं, उसको रिप्लेस कर देते हैं बाय द ओपन सर्किट ब्रांच, अगर वोल्टेज फाइंड करना है तो ऑब्वियसली यही तरीका है। आपको याद होगा नॉर्टन्स के समय मैंने आपको बोला था शॉर्ट सर्किट करंट निकालते हैं, क्यों? क्योंकि मैं अगर ओपन छोड़ दूंगा इस टर्मिनल को तो करंट तो वैसे भी नहीं जाएगी ना, तो उसको शॉर्ट करोगे तभी जाके वहां से करंट जाएगी। सिमिलरली अगर मुझे यहां से वोल्टेज निकालना है तो क्या मुझे इस पोर्शन को शॉर्ट करने से वोल्टेज मिलेगा क्या? मैं अगर शॉर्ट सर्किट कर दूंगा तो कभी नहीं मिलेगा आपको यहां का वोल्टेज ना, इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको ओपन करना पड़ेगा, और यहीं के बीच का जो वोल्टेज है वो वीओसी कहलाएगा, इसी को हम लोग वीटीएच बोलते हैं, ठीक है? सो लेट इट बी रिप्रेजेंटेड विद दीज टू पॉइंट्स, इसको दो पॉइंट से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। यहां का वोल्टेज मुझे फाइंड करना है, कैसे फाइंड होगा? कई तरीके हैं, आप जिससे आपको सॉल्व करते बने, जो आपके लिए कंफर्टेबल मेथड हो गो विद दैट मेथड, आप उसी मेथड से सॉल्व करिए। किसी स्टूडेंट के लिए केसीएल यहाँ पे इजी मेथड रहेगा, किसी के लिए केवीएल, किसी का नॉर्मल ओम्स लॉ से भी आंसर जो है वो आ जाएगा, कोई सीडीआर वीडीआर से सॉल्व कर सकता है। देखिए मुझे यहाँ पे इतना पता है कि जब मैं वीटीएच फाइंड करूंगा ए और बी के बीच में, ठीक है, ए और बी के बीच का जो मैं वोल्टेज निकालूंगा, तो मुझे कहीं ना कहीं की कोई पाथ तो चाहिए ना जिसको मैं रिजोल्व करूंगा, वोल्टेजेस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है? तो उस पूरी पाथ में से अब फिलहाल इसके रिमूव होने के बाद ये वाला जो मेरा पोर्शन है, ये वाला जो रेजिस्टेंस है, ये तो अब ओपन सर्किट सेक्शन का हिस्सा हो गया, तो इससे तो कोई करंट जानी नहीं है, ये मेरे एनालिसिस में दिखेगा भी नहीं। नीचे यहां पर लगा हुआ है, इधर पे भी वही सीन है, सेम सीन है कि ये भी डिस्कनेक्टेड है, लेकिन दिक्कत ये है कि ये खुद एक एक्टिव सोर्स है, इसको किसी और की वोल्टेज करंट की जरूरत नहीं है, तो इसको कंसिडर करना पड़ेगा आपको, ठीक है? दिस विल बी कंसिडर्ड। और यहां पर एक वन ओम का रेजिस्टेंस है जिसके थ्रू कोई ना कोई करंट जाएगी, क्यों? क्योंकि इस मैश का हिस्सा है ये, तो यहां से एक मेश करंट इसके थ्रू जरूर गुजर रही है। देखिए अगर यहां मैं मेश बोल दूं तो यहां से आई वन करंट इसके थ्रू जा रही होगी, तो अगर कोई करंट जा रही है तो डेफिनेटली यहां पे कुछ ना कुछ वोल्टेज जरूर बनेगा, तब जाके मुझे क्लोज्ड सर्किट पाथ जब बनेगा ये, तो उसकी वोल्टेजेस में यहां दो चीजों की वोल्टेज दिखेगी, ठीक है? एक तो इस एक्टिव सोर्स की और एक इस वोल्टेज का ड्रॉप यहां पर इस रेजिस्टर के अक्रॉस। इधर कुछ नहीं हो रहा है, ये हमको एकदम क्लियर है स्टार्टिंग से, यहां कुछ भी नहीं हो रहा है, क्लियर? चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। तो क्या हम लोग केवीएल से सॉल्व करने वाले हैं क्या? नहीं, मैं आपको और इजी अप्रोच इसमें बताऊंगा, एक दो तरीकों से मैं आपको बताता हूं, क्योंकि पहला क्वेश्चन है, आपके पास डिफरेंट मेथड्स का सलूशन होना चाहिए। लेट अस सपोज कि चलो केवीएल एक बार सोचते हो आप, ठीक है? चलो इसी का मैं मेथड्स आपको दिखाता हूं बाय केवीएल। सबसे पहले लिखते हैं बाय केवीएल, कि अगर कोई स्टूडेंट इस क्वेश्चन को केवीएल से सॉल्व करे, ये सब मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपके पास कंपेयर करने के लिए मेथड्स का ऑप्शन रहे, कि आपको अलग अलग मेथड से समझ में आए कि किस मेथड से क्वेश्चन ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है और किस मेथड से क्वेश्चन ज्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ रहा है, ठीक है? तो मान लीजिए अगर कोई बच्चा इस क्वेश्चन को केवीएल से सॉल्व करने जाएगा तो वो क्या करेगा, वो बोलेगा कि सर यहाँ पे चलो मैश एनालिसिस कर लेते हैं, ठीक है? अब मैश एनालिसिस करेगा तो मैश इक्वेशन लिखेगा, कितनी मैश है क्वेश्चन में, एक ही मैश है, तो अप्लाइंग केवीएल इन मैश वन, इक्वेशन बन जाएगा इसके पास माइनस टू आई वन, बस इतना ही है, इज इक्वल टू माइनस ट्वेंटी। I2 का कोई सीन नहीं है, जस्ट बिकॉज दिस पोर्शन इज ओपन सर्किट, ठीक है? तो कोई I2 का सीन ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है? सिर्फ आप लिखेंगे माइनस टू आई वन इज इक्वल टू प्लस ट्वेंटी, उधर जाके माइनस ट्वेंटी, सो I1 की वैल्यू हो जाएगी 10 एम्पियर्स। अब VTH के लिए इक्विवेलेंट सर्किट एक बनेगा यहां से, इसको मैं लिखूंगा VTH, मैंने यहां पर साइन अज्यूम किया है, ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव, आप चाहें तो उल्टा साइन अज्यूम कर सकते हैं, बस उससे वीटीएच की वैल्यू अपोजिट आएगी। साइन मैंने कैसे अज्यूम किया उसका मैं लॉजिक आपको बता देता हूं। देखिए यहां से करंट डाउनवर्ड जा रही है, जब भी कोई करंट किसी रजिस्टर के थ्रू गुजरती है तो वहां पर वोल्टेज का ड्रॉप होता है, ठीक है? तो जो यहां पर वोल्टेज का ड्रॉप होगा उसी को मैं वीटीएच की तरह देख रहा हूं। अगर ये वीटीएच है तो ध्यान दीजिएगा कि जहां से करंट एंटर कर रही है ये पॉइंट हायर पोटेंशियल पे होना चाहिए, और जहां से करंट लीव कर रही है दिस पॉइंट शुड बी ऑन द लोअर पोटेंशियल। ये कहां से आया ये लॉजिक,
जो मैंने आपको केवीएल के समय बताया था, एक कंडीशन, ये केस मैंने आपको केवीएल के समय कंसेप्ट लिखवाया हुआ है, उस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। उस कंसेप्ट के अंदर मैंने आपको बताया कि करंट की डायरेक्शन को देखते हुए पोलैरिटी से आप पता लगा सकते हैं कि वो वोल्टेज राइज को शो कर रही है, वोल्टेज ड्रॉप को शो कर रही है, ठीक है। तो जब करंट का फ्लो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होगा, दिस विल बी वोल्टेज ड्रॉप। इसको ड्रॉप की तरह देखेंगे हम लोग, नेगेटिव साइन से इसको डिनोट करते हैं हम लोग, ठीक है। और जब इसका उल्टा होगा तो राइज इन पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है। तो रजिस्टर के थ्रू जब करंट गुजरी तो उससे पहले पोटेंशियल ज्यादा था, जब करंट इस रजिस्टर से पार हुई तो पोटेंशियल कम हो गया। लॉजिकली एटॉमिक स्ट्रक्चर वाइज भी आप पढ़ेंगे तो यही लॉजिक निकल के आएगा उसमें से। तो उस प्रिंसिपल के हिसाब से मैंने यहाँ पे पॉजिटिव लिखा और यहाँ पर नेगेटिव लिखा, लेकिन अगेन ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, आप इसको उल्टा भी कर सकते हैं, बस आपका वीटीएच जो है उसका साइन उल्टा आएगा और कुछ नहीं। चलिए ठीक है, तो ऊपर मैंने पॉजिटिव नीचे नेगेटिव साइन शो कर दिया। यहाँ से देखिए 10 वोल्ट का जो सोर्स है उसको एज इट इज आपको रखना है, इसमें कुछ भी नहीं चेंज करना है बिकॉज इट इज अ वोल्टेज सोर्स। इन सबको वोल्टेज सोर्स के फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा जस्ट बिकॉज यू आर फाइंडिंग द इक्विवेलेंट वोल्टेज। तो इसी वजह से 2 ओम में कोई करंट वगैरह का कोई सीन है नहीं, तो वहां कोई वोल्टेज भी नहीं बनेगा, उसको शॉर्ट कर दो आप। इसमें जो वोल्टेज बनेगा उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, देखिए करंट ये है, ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव साइन रहेगा, ठीक है, करंट की एंट्रिंग और लीविंग पॉइंट्स के हिसाब से। कितने का वोल्टेज बनेगा, 10 × 1, V equals to I into R, 10 × 1 करेंगे, 10 वोल्ट का पोटेंशियल यहां पर बनेगा, ओके। चलिए अब जरा इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ VTH प्लस 10 इक्वल्स टू 0, सो VTH इज इक्वल्स टू 20 वोल्ट्स। एक तरीका क्वेश्चन सॉल्व करने का एक तरीका यहां पर, ठीक है। चलिए तो VTH की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, टोटल 20 वोल्ट्स। मान लीजिए कोई कोई स्टूडेंट बोले कि सर मैं केवीएल से नहीं सॉल्व करना चाहता हूं, मुझे सर केसीएल से सॉल्व करना, बताइए इस क्वेश्चन को। चलिए यहां पे मैं लिख देता हूं अल्टरनेट मेथड, ठीक है, तो बाय केसीएल। अब इसी सवाल को अगर किसी को केसीएल से सॉल्व करना है तो देखिए क्या अप्रोच होना चाहिए। इसी क्वेश्चन को अगर कोई स्टूडेंट चाहे कि सर इसको केसीएल से बना के देखते हैं, ठीक है, चलिए लेट्स सी। केसीएल अप्लाई करेंगे तो यहां पर आपके पास एक जंक्शन आएगा, लेट इट बी वी ए, यहां पर आप बोल सकते हो वी नॉट इक्वल्स टू 0 वोल्ट, ठीक। अब इसका सिंप्लीफिकेशन में अगर लिखूं तो ये हो जाएगा वी ए माइनस 20 डिवाइडेड बाई 1 प्लस वी ए बाई 1 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अगर मैं खाली यहां का वोल्टेज निकालना चाहूं तो इसके लिए मेरे पास हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ वी ए इज इक्वल्स टू 20, वी ए की वैल्यू इज 10 वोल्ट, ठीक। अगर ये 10 वोल्ट है यहां से यहां तक तो मेरे पास इसकी पोटेंशियल आ गई, मैं सिंपली यहां लिखूंगा ऊपर 10, नीचे इस तरफ, यहां पे देखिए मेरे पास 10 वोल्ट पहले से दिया हुआ है क्वेश्चन में, यहां कोई वोल्टेज था नहीं, ये 2 वाले सेक्शन पे कोई वोल्टेज नहीं है, और फिर मेरे पास है VTH। इसको भी अगर मैं सॉल्व करने जाऊं तो मुझे सिंपली यहां से दिख जाएगा माइनस VTH प्लस 10 इज इक्वल टू 0, सो VTH इज इक्वल टू 20 वोल्ट। आपको ये दिखा होगा कि कंपैरेटिवली इस सवाल को केवीएल से सॉल्व करने से ज्यादा अच्छा है केसीएल से सॉल्व किया जाए, दो लाइन में आंसर आ जाएगा। ये एक सेक्शन, एक दूसरा सेक्शन, दो सेक्शंस के पार्ट में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, मतलब वीटीएच आ गया बहुत आसानी से। अच्छा, केवीएल से बनाने के अलावा कोई और तरीका हो सकता है क्या, केसीएल से बनाने के अलावा? ये तो चलो केसीएल का तरीका हो गया, ठीक है, तो केसीएल से बनाए हम लोग, इस तरीके से सॉल्व करिए। कोई और मेथड, एक लास्ट मेथड और बताता हूं आपको ऑल्टरनेट फॉर्म में, अगेन ऑल्टरनेट मेथड। कौन सा मेथड? अब मैं आपको जो मेथड बताने जा रहा हूं दैट इज विथ VDR, ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन को VDR से सॉल्व करवा रहा हूं आपको। देखिए अगर VDR लगा दूं मैं यहां पे, एक वोल्टेज है, दो रेजिस्टेंस है, इसी में वोल्टेज डिवाइड हो रही है, इधर सब ओपन है, ठीक है। VDR से अगर मैं यहां का वोल्टेज बताऊं तो कैसे बताऊंगा, बाय VDR आई कैन से दैट दिस V' इज इक्वल टू, V' यहां का पोटेंशियल है, लेट इट बी V', दिस V' विल बी इक्वल टू टोटल वोल्टेज into 1 upon 1 plus 1, that is 20/2, which is 10 volts. अब आप देखिए यहाँ से VTH का सेक्शन, आपके पास यहाँ पे 10 वोल्ट पहले से क्वेश्चन में दिया हुआ है, इस 10 वोल्ट की पोलैरिटी आप बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग 10 volts, and this is VTH. अपने अकॉर्डिंग बोलने का मतलब है इसकी करंट का ध्यान रखते हुए आप यहाँ पे इसकी पोलैरिटी शो कर सकते हैं। ऑब्वियसली अगर यहाँ पॉजिटिव है तो करंट इधर से निकल रही होगी, इधर से एंटर कर रही होगी, एंटरिंग पॉइंट पॉजिटिव, लिविंग पॉइंट नेगेटिव, पोलैरिटी मैंने एज इट इज शो कर दिया। अब आप लिख लीजिए यहाँ से, तो आपके पास VTH की वैल्यू आ जाएगी 20 वोल्ट्स। तीन तरीके मैंने आपको दिखाए, तीनों एक के बाद एक रिड्यूसिंग नंबर ऑफ स्टेप्स के हिसाब से मैंने अरेंज कर दिया। सबसे ज्यादा नंबर ऑफ स्टेप किस में लग रहा है? सेकेंड, फिर थर्ड।
ऐसे ही और भी तरीके हैं, आप और डिफरेंट डिफरेंट मेथड से बना सकते हैं। आप चाहें तो इसको सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से भी बना के यहाँ से देख सकते थे कि 20 वोल्ट की सप्लाई जो है टोटल है, यहाँ पर 10 का आउटपुट है। तो ऐसे अपने अकॉर्डिंग आप इसको चेंज कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। तो ग्रेजुअली क्या होगा, अभी आप ऐसे लिखना पड़ रहा है आपको, आगे चल के आप देख के बताएंगे। आप सीधे बोलेंगे अच्छा सर 20 वोल्ट है, दो रेजिस्टेंस में डिवाइड हो रही है, दोनों इक्वल वैल्यू के रेजिस्टेंस है सर, 10 वोल्ट इस रजिस्टर के अक्रॉस बनेगा। बिना कॉपी पेन उठाए आप बताएंगे ऐसे क्वेश्चंस को, ठीक है। बट ठीक है, अभी इनिशियल लेवल पे अगर आप सॉल्व करें तो आप सॉल्व करके देख सकते हैं अलग अलग मेथड से, ठीक। तो कोशिश करिएगा कि हमेशा ये चीजें बिफोर हैंड आप प्रिडिक्ट कर सकें, ये चीजें बिफोर हैंड आप सर्किट के लेवल को देख के, क्वेश्चन के गिवन डेटा को देख करके आपको प्लान करना पड़ेगा ऑन द स्पॉट कि इस समय में मुझे क्या स्टेप लगाना ज्यादा ईजी रहेगा। कभी कभी किसी क्वेश्चन में हो सकता है केवीएल ही ज्यादा आसान पड़ेगा, किसी क्वेश्चन में केसीएल लगाना ज्यादा ईजी पड़ेगा एज कम्पेयर टू सीडीआर वीडीआर या सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये हमको ग्रेजुअली जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उसके अकॉर्डिंग ये पोटेंशियल डेवलप होता चला जाएगा अपने अंदर, ओके। चलिए, सो राइट नाउ वी हैव द वैल्यू ऑफ वीटीएच, इसको लॉक कर देते हैं। अब अपने पास आरटीएच की कमी है, आरटीएच चलो फाइंड करते हैं। आरटीएच की वैल्यू कैसे निकल के आएगी, यहां से सेम सर्किट ड्रॉ करता हूं, आरटीएच बिल्कुल वैसे निकालेंगे जैसे नॉर्टन थ्योरम में आप आरएन फाइंड करते थे। आरटीएच इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस एंटायर सोर्स नेटवर्क, पूरी सोर्स नेटवर्क का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो बताइए इसके लिए सबसे पहला काम क्या करना चाहिए, आरएल को रिमूव कर देना चाहिए आपको, ठीक है। आरएल को रिमूव करके आपको इस सेक्शन को ओपन छोड़ के यहां से आरटीएच फाइंड करना है आपको। नाम वही है, तरीका जो है वो डिफरेंट हो सकता है। वोल्टेज सोर्स है यहां पे, मैं इसको शॉर्ट कर रहा हूं, इस वोल्टेज सोर्स को भी हटाइए, इसे भी शॉर्ट कर दीजिए, ठीक है। ये जो वोल्टेज सोर्स है इसको भी रिमूव कर देते हैं। अगर करंट सोर्स होता है इनकी जगह पे तो मैं ओपन सर्किट कर देता। अब इन दोनों का पैरेलल, इसके साथ सीरीज, इन दोनों को पैरेलल करूंगा तो कितना आ जाएगा 0.5 सीरीज विद 2। तो आरटीएच की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, आरटीएच विल बी इक्वल टू 2.5 या 5/2, जैसा भी आपको लिखना पसंद रहे। अभी आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग आप इस चीज को लिख सकते हैं। तो मुद्दा यह है कि इस तरीके से सिंप्लीफाई करके हमको जो थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट है वो तो मिल जाएगी। अब हमको आईएल फाइंड करना जो है, दैट इज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो यहां से मैंने लिख दिया कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ रहा है इस पूरी सर्किट का, दिस इज 5/2 ओम्स। अच्छा, इधर से लोड रेजिस्टर कितने का था हमारे क्वेश्चन में, लोड रेजिस्टर की वैल्यू देखिए सवाल में कितना गिवन था हमको, क्वेश्चन के स्टार्टिंग में था 3 ओम्स का, ओके। तो लोड रेजिस्टर की वैल्यू थी 3 ओम्स, और यहां पर था हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स, ओके, ये वाला, दिस वॉज VTH जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया कितने का, 20 वोल्ट का। अब बताइए सर्किट से IL निकालना कितनी बड़ी बात है, बिल्कुल इजी थिंग है। अब आप देखिए आपके लिए एकदम इजी टास्क हो जाएगा इसको सॉल्व करना। IL का कैलकुलेशन आप कैसे करेंगे, IL इज इक्वल टू VTH अपॉन RTH प्लस RL, 20 डिवाइडेड बाय 2 3 6 और 5 11/2, 20 डिवाइडेड बाय 11/2, उसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपका आंसर जो है वो आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको सिंप्लीफाई करना है। तो बोलने की बात यह है इतना एम्पियर्स में, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट थिंग इसके अंदर बस इतना ही है कि आपको सर्किट सॉल्विंग के समय एक अप्रोच जो है वो डिसाइड करना होता है खुद से, और वो तभी आ पाएगा, वो अंडरस्टैंडिंग का लेवल तब डेवलप होगा जब आप ग्रेजुअली बहुत बार सर्किट्स का सोल्यूशन कर चुके होंगे, अलग अलग मेथड्स अप्लाई करिए। आपको क्वेश्चन में अभी जब तक प्रैक्टिस कर रहे हैं आप मल्टीपल मेथड से बनाते जाइए। क्वेश्चन आपको लग रहा है ना कि चलो ठीक है सीडीआर से तो मैं या वीडीआर से तो सर मैं बना लूंगा, ये तो मेरा कमांड है इस मेथड पे, केसीएल पे थोड़ा कमांड की कमी है या केवीएल पे कमांड की कमी है, तो जबरदस्ती इस क्वेश्चन में आप प्रैक्टिस करने के समय तो लगाइए ना, केवीएल लगाइए केसीएल लगाइए। एक पॉइंट पे आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि नहीं केवीएल लगा देने से ना ये मेथड लेंदी हो रहा है। जब जब क्वेश्चन को देखोगे आप डेटा को चेक कर लोगे एक बार, अच्छा यहाँ पे कुछ लगाने की जरूरत है भी या नहीं, आपको पता चलेगा अच्छा 20 है, 10 और 10 में डिवाइड हो रहा होगा, दोनों इक्वल वैल्यू के हैं, तुरंत ही आपके माइंड से वो एक कैलकुलेशन का पार्ट जो है वो आने लग जाएगा। आपको कुछ इसमें एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, आपको दिखेगा कि यहाँ पे 10 वोल्ट है, लेकिन वो प्रैक्टिस से दिखता है, ठीक है। ऐसी दिव्य दृष्टि जो है वो ज़्यादा प्रैक्टिस करने से आती है, उससे पहले तक दिखता कुछ नहीं है, उससे पहले तक सिर्फ सॉल्व करने से ही समझ में आता है, बट ओवर द टाइम बनाते बनाते आपको लिटरली वैल्यू दिखेगी यहाँ पे कि अच्छा 20 था, 10 यहाँ गया, 10 यहाँ गया, सिर्फ डिवाइड होते हुए पूरा दिखने लग जाएगा आपको। खैर, वो एक डिफरेंट थिंग है। और कुछ एक क्वेश्चंस जो है आपको थेवेनिन्स का बनाता हूँ। बेसिकली थेवेनिन्स के जो वर्किंग पोर्शंस थे वो इतने ही होते हैं, यही बेसिक तरीका है थेवेनिन्स के क्वेश्चन सॉल्व करने के। अब एक दूसरा चैलेंजिंग पार्ट इसके अंदर तब आता है जब थेवेनिन्स
विथ डिपेंडेंट सोर्स का क्वेश्चन आपको दे दे। तो अगेन मैंने जैसे नॉटन्स में आपको बताया था कि जहां पर मैं जिस दिन डिपेंडेंट सोर्स के क्वेश्चंस करवाऊंगा वो एक सेशन ही पूरा डिपेंडेंट सोर्सेस के लिए डेडिकेटेड रहेगा, जहां डिपेंडेंट के क्वेश्चन सॉल्व करना आप सीखेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, हो सकता है एक या दो पार्ट्स में वो वीडियो रहेगी जिसमें प्योरली आपको डिपेंडेंट सोर्स बेस्ड क्वेश्चन बनवाऊंगा मैं, तो उससे एक अच्छा लेवल का डेवलपमेंट हो जाएगा आपके माइंड में डिपेंडेंट सोर्स को लेकर के कि आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए एक आध क्वेश्चन आपको इसके भी करवाते हैं, थेवेनिन्स वगैरह के भी एक आध क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे हुए हैं वो मैं प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, चलिए लेट्स सी। यहाँ पर एक सवाल आया हुआ है, प्रीवियस ईयर एग्जाम का ही क्वेश्चन है ये, लेकिन नॉर्मली इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो आता है एग्जामिनेशन में, नॉर्मली इस तरीके का क्वेश्चन जो है ना वो आता है। देखिए यहाँ पर सर्किट में जो वैल्यूज गिवन है मैं एक बार हाईलाइट कर दूं दोबारा से, 10 ओम है, यहाँ पर 15 ओम है, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, ये हमारे पास 50 वोल्ट का सेक्शन है और यहाँ पर 100 वोल्ट का सेक्शन है। आपको इन दो पॉइंट्स के बीच में, आई गेस अभी सर्किट आपको विजिबल होगा थोड़ा सा, है ना, इन दो पॉइंट्स के बीच में पूछा हुआ है इक्विवेलेंट के बारे में। ठीक, आपको बोलता है कि थेवेनिन्स पैरामीटर जो है वो फाइंड कर लीजिए यहाँ पे। तो थेवेनिन के पैरामीटर मतलब सिंपली दो चीज आपको फाइंड करनी है। ऑब्वियसली अगर देखिए लोड रजिस्टर नहीं दिया होगा ना तो आप करंट नहीं निकाल पाएंगे वहां का, लोड रजिस्टर अगर नहीं गिवन है तो लोड करंट भी नहीं फाइंड होगी वहां पे, ये एकदम सिंपल सी थिंग है, इसको ध्यान रखिएगा। तो आपको इस क्वेश्चन के अंदर VTH और RTH बस दो ही चीजें फाइंड करनी है, जो आसान चीज है उसको पहले फाइंड करिए, ऑलवेज गो फॉर द इजी पार्ट। कभी भी ये मत कोशिश करिएगा वहां पे डेयर डेविल नहीं बनना है हमको, हमको बस सीधे सीधे एक चीज करना है कि ऑन टाइम आंसर निकालना है। स्मार्टेस्ट वे जो है वो ये है कि सबसे पहले चेक कर लीजिए कौन से जगह पे डेटा ज्यादा रिपीटेड नहीं दिख रहा है। RTH में देखिए 6 ओम का दो रिपीटेशन है और VTH में 50 वोल्ट का दो रिपीटेशन है, तो मतलब हो सकता है कि हम इस पॉइंट में जाके फंसे कि हमको RTH VTH दोनों निकालना पड़े। ठीक है, बट चलो इजी पार्ट से शुरुआत करते हैं, पहले RTH देखिए कितना हो सकता है। तो आप जब इस दोनों को शॉर्ट सर्किट करेंगे RTH निकालने से पहले, यानी 50 और 100 को, तो आप देखेंगे कि 10 और 15 आपस में एक दूसरे के साथ पैरेलल में आ गए, तो 10 इंटू 15 अपॉन 10 प्लस 15, तो 10 और 15 मिला के हो गया 25 और ये हो गया 150। ठीक है, 6 ओम RTH जैसा एक्सपेक्टेड था, रिपीटेड वैल्यू आ रही है, इसका मतलब पॉसिबिलिटी है कि वही वैल्यू रहेगी। तो 6 ओम हमको यहां दो जगह दिख रहा है, तो अब इसका मतलब VTH तो निकालना पड़ेगा। VTH कैसे निकालेंगे इस पूरे क्वेश्चन के अंदर से, चलिए VTH निकालने का तरीका देख लेते हैं। भाई अगर VTH निकालना है आपको इस क्वेश्चन के अंदर से, अगर आपको VTH फाइंड करना है तो क्या क्या तरीका हो सकता है, एक तरीका KCL का हो सकता है। चलो KCL लगा के देखते हैं, KVL लगाना पॉसिबल है इस क्वेश्चन में? हाँ बिल्कुल पॉसिबल है, सारा कुछ ओपन सर्किट के फॉर्म में है, आपको एक मेश मिल जाएगी, मेश से आप करंट बता देंगे, ये वोल्टेज सोर्स डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस करके आपको करंट मिल जाएगी, करंट के हेल्प से आप किसी भी एक साइड से एनालिसिस कर सकते हैं, लेफ्ट साइड से, राइट साइड से, जो भी आपको प्रेफरेबल लगे, आंसर तो सेम ही आएगा, उसमें कुछ नहीं चेंज होगा। अगर मैं राइट साइड से जाता हूँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन को देखते हुए, तो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस लिखूंगा, इसके अक्रॉस की वोल्टेज मिल जाएगी, एक बार इसके अक्रॉस की वोल्टेज मिली तो काम खत्म क्वेश्चन का, फिर तो आप VTH बता लेंगे। दूसरा अप्रोच कि आपको लगता है सर ए से बी मुझे इधर से जाना चाहिए, इस साइड से, बिल्कुल बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको यहाँ की करंट पहले पता हो जानी चाहिए, आपको पूरे मैच की करंट मिलेगी, इसकी डायरेक्शन इधर प्लस इधर माइनस, यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप मिल गया, आप ए से बी इस ब्रांच को सॉल्व कर लीजिए, जिसको भी आप चाहें आप अपने अकॉर्डिंग सॉल्व करिए। ठीक है, उसमें कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, मैंने पहले ही बताया आपको। चलिए तो VTH फाइंड करने के लिए क्या अप्रोच, KCL लगा दें? चलो अगर आपको लगता है कि यहाँ पे KCL लगाना चाहिए तो इक्वेशन देखिए कैसी बनेगी, यहाँ पे VA माइनस 50 डिवाइडेड बाई 10 प्लस VA माइनस 100 डिवाइडेड बाई 15, 10 और 15 का अगर आप LCM लेंगे तो कितना आना चाहिए, 5 3 5 2 2 1 3 1, ठीक है, 2 3 6 6 5 30, कितना LCM आएगा, 30 आएगा LCM में, डिवाइड में लिखिए 30, ये हो गया 3 टाइम्स ऑफ VA माइनस 3 5 15 प्लस 2VA माइनस 200। ठीक, अब देखिए 2 एंड 3 हो गया 5VA मेरे पास यहां पर, और इक्वल टू के उस तरफ चला जाएगा 350 150 100। ठीक है, उस तरफ भेज दिया मैंने, तो VA की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 70। यहां पर VA की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 70 वोल्ट। ठीक है, तो क्या 70 वोल्ट ही आंसर है क्या, अभी आंसर पे मत जाएगा, यहां पे 70 देखिए टिक मत कर दीजिएगा, गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो 5 7 35 5 0 0, मैंने बोला यहां पर 70 वोल्ट आ रहा है पोटेंशियल। एक बार हमेशा सॉल्व करने से पहले चेक कर लीजिएगा कि क्या इस पाथ से लेके इस पाथ के बीच में कोई वोल्टेज सोर्स तो नहीं आ गया बीच में,
अगर बीच में वोल्टेज सोर्स आ जाएगा तो कहानी बिगड़ जाएगी यहाँ से, ठीक। बट फिलहाल इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं आया है, तो इसका मतलब जो ये ए है वो यही पोटेंशियल है, इस जगह की पोटेंशियल। अगर मैं इस बी को जीरो मान लूँ तो जो यहाँ मुझे वोल्टेज दिख रहा है वही एग्जैक्टली आंसर होना चाहिए। तो इसका मतलब मेरे क्वेश्चन का आंसर हो जाना चाहिए 70 वोल्ट्स, मुझे इधर कुछ और सॉल्व करने की जरूरत है ही नहीं। अब ये मत करिएगा कि आप इधर से पूरा सिंप्लीफाई करने लग गए कि भाई ये आ गया तो चलो यहाँ की करंट निकालें, इसका हम लोग पोटेंशियल निकालें, फिर पूरा VTH का इक्वेशन बनाए। नहीं, इस क्वेश्चन में इसीलिए तो KCL लगाया मैंने, क्वेश्चन में KCL लगाने का मकसद ही यही था कि अगर यहाँ पे, अच्छा मान लीजिए अगर यहाँ पे कोई ऐसा सोर्स वोर्स आ जाता बीच में कहीं पे, पहले से क्वेश्चन में दिया होता कि यहाँ पे वोल्टेज सोर्स भी है, तो कैसे करते, क्या तब 70 आंसर होता क्या? नहीं होता। तब आपको 70 में से इसको प्लस माइनस इसकी पोलैरिटी को देखते हुए, जैसे मान लो यहाँ 10 वोल्ट का कोई सोर्स रहता तो 70 में से हो सकता है आपको 10 माइनस करना पड़ता, तब जो बचता 60 वो आपका आंसर हो जाता, या पोलैरिटी उल्टी होती तो प्लस कर देते आप, 80 हो जाता आपका आंसर। तो इस चीज का ध्यान हमेशा रखना, एकदम से आंसर नहीं बोलना है आपको कि ये आंसर है, एक बार जरूर से एक बार चेक कर लीजिए, डबल श्योर हो जाइए तब आप आंसर बताइए, ठीक है। तो आपका आंसर जो है वो एकदम प्रॉपर एक्यूरेसी के साथ आएगा। सो आवर क्वेश्चन आंसर इज 70 वोल्ट्स, ईजी अप्रोच, बिल्कुल आसानी से आप इसका सलूशन जो है वो बना सकते हैं। अगेन मैं बता रहा हूँ कि जरूरी नहीं है कि KCL से बनाइए, मैंने जस्ट रैंडमली एक मेथड लगा दिया कि इससे बन रहा है, आप किसी भी और मेथड से भी ट्राई कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं, अब इसको हटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक क्वेश्चन आपको असाइनमेंट के लिए दूंगा मैं, लास्ट क्वेश्चन जो भी रहेगा। चलिए एक और सवाल है, इसको भी बनाते हैं, ठीक है। आप लोग भी इसको क्वेश्चन को ट्राई करिए सॉल्व करने का, आई गेस की वैल्यूज आपको विजिबल होंगी यहाँ पर। वैल्यूज में दोबारा से एक बार रिपीट कर लेता हूँ, यहाँ इधर देखिए, यहाँ पर है 20 वोल्ट्स, दिस इज 3 ओम का सेक्शन, ये 6 ओम का रेजिस्टेंस है, ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, दिस इज अ 10 वोल्ट केस एंड दिस वन इज 3 ओम का रेजिस्टेंस, ठीक है। चलो देखते हैं, स्टार्ट करें। चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में बोलता है ऑब्टेन द थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट पैरामीटर VTH एंड RTH। नॉर्मली क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं MCQ पेपर में, VTH पूछेगा, RTH पूछेगा, IL निकालने नहीं बोलेगा। अगर IL बोलता भी है तो लोड रेजिस्टर डिफाइन करना पड़ेगा उसको, और जब तक लोड रेजिस्टर डिफाइन नहीं करेगा IL वैसे भी नहीं बता सकते। तो चलिए VTH RTH पे आते हैं। सबसे पहले RTH, अगेन इजी पार्ट पे पहले जाइएगा, 6 और 3 का सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे, आपके पास कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 2 एंड 3 5, 5 ओम का रेजिस्टेंस है हमारे पास। देखिए 5 तीन जगह आंसर में दिया हुआ है, वैसे ऑप्शन देख के हमको समझ में आ रहा है कि बार बार रिपीट हो रही है वैल्यू, तो चांसेस तो इसी के थे कि यही आएगा वैल्यू, बट फिर भी सॉल्व कर लिया। अब देखते हैं कि यहाँ से इक्विवेलेंट पोटेंशियल जो है वो कितना आ सकता है। अगर मैं आपको बोलूँ कि चलो यहाँ पर अब कोई दूसरा मेथड लगाते हैं KCL के अलावा, चलो KCL का अप्रोच भी देख लीजिए फिर दूसरा मेथड का अप्रोच देखेंगे। मान लीजिए आप यहाँ से KCL अप्लाई करते हैं इस पॉइंट पर, ठीक, इस पॉइंट पर अगर KCL लगाएंगे तो आप लिखेंगे VA -20 / 3 VA + 10 / 6 = 0, होल अपॉन में आपके पास 6 आ गया, दिस इज 2VA - 40 + VA + 10 = 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3VA = 30, VA की वैल्यू जो है दैट इज इक्वल टू 20 वोल्ट्स, हाँ 20 नहीं सॉरी सॉरी VA की वैल्यू इज 10 वोल्ट्स, अभी सही है। तो द वैल्यू ऑफ VA इज नाउ 10 वोल्ट्स। तो क्या ये VA ही हमारा आंसर है क्या? देखिए यहाँ पर ये VA का पोर्शन है, ये हिस्सा आपका 10 आया है, ध्यान रखिएगा, अभी साथ में इधर प्लस 10 और भी है आपके पास, तो क्या इसको सॉल्व करना पड़ेगा? डायरेक्शन जो है उसको जरूर से चेक कर लीजिएगा, यहाँ पर आपका आंसर जो है इट इज 10, इधर एक 10 वोल्ट का और सेक्शन है, तब जाके कहीं पे आपका VAB बनेगा, तब कहीं जाके आपके पास VAB की वैल्यू जो है वो आएगी। तो क्या आंसर प्लस 10 वोल्ट है कि 20 वोल्ट है, सोच के बताइएगा। अच्छा एक और अप्रोच मैंने बोला था आपको बताऊंगा, चलिए एक और अप्रोच आपको बताता हूँ इसी क्वेश्चन के अंदर। अब यहाँ से अगर सपोज कर लीजिए मुझे ए से बी तक की पोटेंशियल चाहिए, तो मुझे इस रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट वोल्टेज की वैल्यू भी रिक्वायर्ड होगा, यहाँ का वोल्टेज, ये कितनी वोल्टेज का ड्रॉप करा रहा है, ठीक है। इसके लिए मैं एक चीज़ कर सकता हूँ कि मैं इस पिछली सर्किट के अंदर यहाँ से क्लॉक वाइज डायरेक्शन में KVL लगा सकता हूँ, मैंने बोला था KVL का अप्रोच भी पॉसिबल है इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर। चलिए अगर मैं KVL से सॉल्व करता हूँ तो कैसा दिखेगा? KVL क्या, सिंपली मैं बोल सकता हूँ कि ओम्स लॉ ही लगा रहा हूँ मैं एक तरीके से, तो प्लस 10 प्लस 20 30 डिवाइड बाई 6 और 3 9, तो करंट की वैल्यू मेरे पास आएगी यहां से I = 30/9 3 3 3 10 10/3 एम्पियर की करंट, 10/3 को 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वहां का वोल्टेज आ जाएगा 3 1 3 2 10 2 20 वोल्ट्स, ऊपर 10 ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, यहां पे मेरे पास 20 वोल्ट का पोटेंशियल बन रहा है। अब सॉल्व करके देखिए क्या आंसर आना चाहिए,
तो अभी अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आपका ऐसा आ जाएगा, देखिए दिस इज योर वी टी एच, यहाँ से आपके पास है 10 वोल्ट, ऊपर आपके पास इस तरीके का पोलैरिटी के साथ है 20 वोल्ट। आप सिंपली इसको ऐसा सॉल्व कर लीजिए, दिस विल बिकम माइनस ऑफ वी टी एच, माइनस 10 प्लस 20 इज इक्वल टू 0, सो योर वैल्यू ऑफ वी टी एच विल बी इक्वल टू 10 वोल्ट। अब आप ध्यान से सोचेंगे तो आपने के सी एल से अभी से थोड़ी देर पहले यही आंसर लाया है, के सी एल से आपने जो आंसर लाया अब से कुछ देर पहले वो यही आंसर आया। आप ओम्स लॉ से भी ऐसा बना सकते थे सेम क्वेश्चन को इसी तरीके से, कि आपको इसमें सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगाना चाहिए। दूसरा अप्रोच आपके माइंड में आएगा कि सर सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन भी बता दो। देखिए सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से अगर आप सोचें बनाना चाहिए तो हमेशा सिंप्लीफाई करना शुरू करने से पहले डेटा को चेक कर लीजिएगा कि कहीं डेटा आपका फ्रैक्शन में या डेसिमल्स में तो नहीं जा रहा। अगर ऐसा है तो हमेशा अवॉइड करिए ऐसे स्टेप्स को, टाइम टेकिंग रहेगा। 20/3 करेंगे आपका डेटा सॉल्व नहीं होगा, वो फ्रैक्शन में आ जाएगा। इधर 10/6 करेंगे ये भी डेटा आपका फ्रैक्शन में आ जाएगा। तो आपको ऐसा सॉल्व करने से बचना चाहिए हमेशा। तो इस क्वेश्चन में आने को आ जाएगा आंसर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, एनालिसिस है, क्वेश्चन सॉल्विंग का मेथड है, तो आंसर तो जरूर आएगा, आंसर बच के कहाँ जाएगा। बट इंपॉर्टेंट है कि टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा ऐसा करने में, आपको अवॉइड करना है एग्जाम में ऐसे अप्रोचेस। ठीक है, क्वेश्चन नहीं ये वाला, नहीं क्वेश्चन का आंसर ये फर्स्ट वाला, ये वाला ऑप्शन आ गया आपका, वी टी एच 10 वोल्ट, आर टी एच 5 ओम बनेगा। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं, और एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहा हूँ मैं, अब जो भी नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आई गेस आप लोगों को विजिबल नहीं है, ओके चलिए देख लेते हैं इसको, मैं एक बार ओवरराइट कर रहा हूँ इसके ऊपर से। और इस क्वेश्चन को आप एज अ होमवर्क ले लीजिएगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइए। इंपॉर्टेंट है कि जितने ज़्यादा सवाल आप बनाएंगे उतना अच्छा कॉन्फिडेंस जो है बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा, जो कि आपके सर्किट सॉल्विंग पार्ट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका कॉन्फिडेंस। और मेथड्स पे कमांड, जितने ज़्यादा मेथड्स पे कमांड होगा उतने अच्छे तरीके से एग्जाम में आप डिसाइड करना शुरू कर पाएंगे कि मुझे कब किस क्वेश्चन में कौन सा मेथड जो है वो अप्लाई करना है। ज़रूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन को एक ही मेथड से बनाया जाए, और ये भी ज़रूरी नहीं कि हर क्वेश्चन एक ही मेथड से ईजी लगे। कभी कभी कुछ मेथड्स किसी क्वेश्चन में कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकते हैं। 20 ओम्स, ये आपका सवाल है, क्वेश्चन में वही सेम चीज़ें बोला है आपको कि द नेटवर्क शो इन द फिगर द थेवेनिन्स वोल्टेज एंड इंपेडेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ए एंड बी विल बी रेस्पेक्टिवली। इंपेडेंस भले बोल रहा है बट यहाँ पे रेजिस्टेंस के अलावा कोई ऐसा रिएक्टेंस का पार्ट है नहीं, तो इंपेडेंस बोलने का मतलब है सीधे रेजिस्टेंस ही पूछा आपको। ठीक है, तो आपको मतलब सिंपली वही दो चीज़ फाइंड करनी है, यहाँ पर आपको आर टी एच फाइंड करना है और यहीं पर से आपको वी टी एच फाइंड करना है। ठीक, क्वेश्चन में बस यही दो चीज़ बताना है और इसको सिंप्लीफाई करके आपको देखना है। यहाँ पर यूनिक वैल्यूज जो है वो आपको रेजिस्टेंस के फॉर्म में रिपीटेड वैल्यू दिख रही है, इसको देख के एक अंदाजा लगा सकते हो आपकी आपका आरटीएच जो है वो किस अप्रोक्स आ सकता है। ठीक है, तो इसको चेक कर लीजिएगा एक बार जरूर से, एंड आई गेस कि कमेंट सेक्शन में आप लोग एकदम राइट आंसर करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, कम से कम टाइम लेते हुए आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रैक्टिस बनानी है। ठीक है, तो टाइम जरूर चेक करिएगा कि आपको कितना समय लगता है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अगले वीडियो में आपसे मिलूंगा, नया थ्योरम लेकर के आऊंगा, ऐसे ही क्विक फॉर्म में आपको थ्योरम्स करवाऊंगा मैं, एकदम जल्दी जल्दी फटाफट वाले मेथड से हम लोग पूरे थ्योरम्स को समझेंगे। आपको बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, एक छोटे से वीडियो के अंदर से पूरा थ्योरम आपको क्लियर हो जाएगा। आप सभी के साथ अगले वीडियो में, कैमरा बंद हो गया था, सॉरी फॉर दैट। और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे विद अ न्यू थ्योरम, मस्त बढ़िया तरीके से न्यू थ्योरम जो है उसको कंप्लीट करेंगे, और ऐसे ही क्विक वीडियोस जो है वो आपके लिए मैं लाता रहूंगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट सेशन पर, टेक केयर ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। जय हिंद।